Hello everyone, welcome to my channels VS Education's Hub. In this video I am here to discuss missing number series ke kuch questions jo ki exam point of view se important questions hain, wahi apan is video mein discussions karenge. Okay, dekhiye main particular aapki practice ke liye maths mein wrong number series, missing number series, arithmetic ke questions, DI ke questions, ye sare kuch aapki practice ke liye karwata hu. Okay, अगर आप चाहें तो जाके चैनल्स पे देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, वीडियोज में जाके देख सकते हैं. पार्टिकुलर अल्टरनेटिव टीच में मैं अपन अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी, डीआई के क्वेश्चंस भी, एकदम डिटो क्वेश्चंस, एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करते हैं. कल का वीडियो देखिएगा, कल मैंने डीआई डिस्कशंस किया था प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे, एकदम उसको भी देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा डीआई था. प्लीज आइए देख लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, आइए आज अपन डिस्कस करेंगे मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस. देखिए मेंस में क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, बट कोई पता नहीं है, राइट. एसबीआई है, कुछ भी दे सकता है. ओके, आरबीआई का असिस्टेंट का एग्जाम से कुछ भी दे सकता है, तो अपन प्रैक्टिस करके चलते हैं. तो ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन से, अच्छे लेवल पे क्वेश्चन से, थोड़ा प्री लेवल नहीं है, मेंस लेवल के क्वेश्चन से, तो प्लीज ध्यान से सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को. ओके, स्टार्ट करता हूँ सेशंस को विदाउट टाइम वेस्टिंग्स. एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो प्लीज पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लें, देन वीडियो को शेयर कर दें, देन वीडियो को लाइक जरूर कर दें. अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया है, पूरा वीडियो देखें, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा. ओके, और ये स्टार्ट करते हैं. आरबी असिस्टेंट मेंस हो या एसबीआई क्लर्क मेंस हो, कोई भी एग्जाम्स हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी है. आप प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर मेरे क्वेश्चंस, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब कोई भी क्वेश्चंस हो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ. ओके, आज अपनी 22 क्लासेस हैं, लास्ट 21 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है. टोटल्स अपन सीरीज लेके चल रहे हैं 150 क्वेश्चंस की, टोटल्स आपके क्वेश्चंस रहेंगे. इसकी इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, गारंटी है इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा. ओके, आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 106 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने दिखाई दे रहा होगा. देखिए 106 नंबर क्वेश्चंस क्यों है, क्योंकि माय डियर एस्पिरेंट्स 105 क्वेश्चंस तक टोटल्स आपकी लास्ट 21 क्लासेस में कंप्लीट हो चुके हैं. उनको देखिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, नंबर सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है 150 मिसिंग नंबर सीरीज नाम से, उसको देख लीजिए, 100% आप प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी. ओके, देखिए क्या कहता है क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस है, अच्छे पैटर्न है, ध्यान से देखिएगा. 120 123 129 141 एंड 147, देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस है, राइट. देखिए 120 123, यहाँ से लग रहा है कि एक तरह से कह सकते हैं थ्री का डिफरेंसेज हैं, राइट. यहाँ से अपने को देखिए डिफरेंस भी इस पर है, क्योंकि सीरीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखिए, लास्ट टर्म्स और फर्स्ट टर्म्स देखिए, बहुत ही कम डिफरेंस है, तो अपन जाएंगे डिफरेंस बेस पर. ओके, 123 प्लस 6 करेंगे तो अपने पास आएगा 129, राइट. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 121 ऐड किया, 1 और 1 2 प्लस 10, यानी कि 12 का डिफरेंसेज है यहाँ पर. यहाँ पर देखिए 141 है, यानी कि 6 ऐड करेंगे तो अपने पास 147 आएगा. तो 3 का डबल 6 होता है, इंटू 2 टाइम्स है, 6 इंटू 2 इंटू आपके 12 होता है, बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन यहाँ पर तो वापस आपका 6 आ रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग है. ओके, एक तरह से कह सकते हैं इट मीन्स आपकी ये पैटर्न तो बिल्कुल फॉलो नहीं होगा, राइट. अब देखिए इस पैटर्न में क्या फॉलो करवा सकते हैं अपन, माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान से देखिएगा. 3 का 6 6 का 12 12 एंड 6, माय डियर एस्पिरेंट्स जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर क्वेश्चंस मेरे सॉल्व किए हैं उन्होंने लास्ट 105 क्वेश्चंस तक, गारंटी है वह क्वेश्चंस इसको करके ले जाएंगे. अदरवाइज ऑल ओवर स्टूडेंट्स जो बचे हैं, जो रेगुलर नहीं देखते, प्रैक्टिस नहीं करते, सोचते हैं ऐसे वीडियो है, ऐसे क्वेश्चन करवाते हैं, कोई प्रॉब्लम उनको मतलब नहीं है किसी बात का, कोई मीन्स नहीं है, उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ बन सकता है. ईजी है पर थोड़ा ट्रिकी है, अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको लगेगा हाँ सर एग्जैक्ट यही मिल रहा है. देखिए 3 6 12 एंड 6 कोई पैटर्न नहीं अपने को कर रहा, तो माय डियर एस्पिरेंट्स सीरीज में जाइए, सीरीज में देखिए 1 प्लस 2, राइट. इन तीनों नंबर की ऐड करके देखिए कितना आता है,
1 + 2 = 3 + 0, यानी कि 3 आया, 1 + 2 + 3 = 6, बिल्कुल सही है। 1 + 2 = 3 + 9 = 12, बिल्कुल सही है। 1 + 4 यानी कि 5 + 1 = 6, बिल्कुल सही है। तो डैट इज़ द नेक्स्ट टर्म्स आपके होना चाहिए। 4 + 1 = 5 + 7 = 12, राइट? 12 यहाँ पर होना चाहिए था, तब अपना आंसर्स मिलेगा। 12 अपन ऐड करेंगे, 2 ऐड कीजिए, 149 प्लस 10 करेंगे तो 159 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। 159 इज़ द करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। कैसा लगा क्वेश्चंस? बिल्कुल अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे पैटर्न आपको एग्जाम्स में गारंटी से गारंटी पूछ सकता है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे, सर न्यू पैटर्न करवाइए। माय डियर एस्पिरेंट्स, न्यू पैटर्न हो चाहे ओल्ड पैटर्न हो, सीरीज का टर्म, सीरीज का लॉजिक एक ही रहेगा, राइट? आप इसको सॉल्व कीजिए, न्यू पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट? मूविंग ऑन चलते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन पर जरूर प्रेस कीजिएगा कि सर हाँ अच्छा लगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट देखिए 12, 11 क्वेश्चन मार्क, 42, 104, 227 एंड 441, राइट? ये आपका क्वेश्चन है। देखिए 12, 11 क्वेश्चन मार्क, 42 एंड देन 104 एंड देन आपके नेक्स्ट टर्म्स हैं, नेक्स्ट टर्म्स आपकी 104, 227 एंड 441, राइट? ये आपका सीरीज है। यहाँ से देखिए माय डियर रेस्पिरेंट, सीरीज का टर्म से -1 का डिफरेंशियल यहाँ पर नहीं कह सकते, यहाँ भी नहीं कह सकते। यहाँ पर देखिए प्लस अपन ऐड करेंगे, देखिए 8 और 4 आपके 12 हुआ, 12 + 50 = 62 हुआ, यानी कि यहाँ पर 62 का डिफरेंसेज है। यहाँ पर 1, 2, 3 का डिफरेंसेज है, राइट? सीरीज अब पता चल गई होगी बहुत से स्टूडेंट्स को, राइट? यहाँ पर देखिए प्लस का 11 - 7 = 4 एंड यहाँ पर बचा 3, 3 - 2 = 1 एंड 4 - 2 = 2, यानी कि 2, 1, 4 का डिफरेंसेज है यहाँ पर। अब सीरीज का पैटर्न देखिए, देखिए बहुत ही अच्छी सीरीज है, 100% आपको समझ में आएगी। 62, 123, 214, यहाँ पर आप लोग लग रहा है कि ये क्यूब के रिलेटेड है। 123 और 214 ये आपका 6 का क्यूब के नियरेस्ट है, 6 का क्यूब आपके होता है 216, -2 करेंगे तो अपने पास ये चीज आ सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 5 का क्यूब करेंगे तो 125, -2 करेंगे तो अपने पास 123 आ सकता है। यहाँ पर 62 यानी कि 4 का क्यूब करेंगे माय डियर रेस्पिरेंट्स, -2 करेंगे तो अपने पास 62 आ सकता है। 4, 5, 6 नेक्स्ट टर्म्स 3, 2 एंड 1, राइट? 1 का क्यूब -2, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -2, राइट? 2 का क्यूब -2, यानी कि 2 का क्यूब 8 होता है, 8 -2 करेंगे तो अपने पास आएगा 6, राइट? यहाँ पर अपने पास 6 आना चाहिए, प्लस का 6 आना चाहिए था। यहाँ पर 3 का क्यूब -2, यहाँ पर प्लस का 27 -2 करेंगे तो अपने पास 25 आना चाहिए था, राइट? अब देखते हैं सीरीज मैच हो रही है क्या। 11 + 6 करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स 17 आएगा, 17 में 25 अपन ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 42, बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज द करेक्ट। इट मीन 17 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चंस का लेवल बताइए, ऐसे क्वेश्चंस गारंटी है आपको पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे पैटर्न, स्क्वायर बेस, क्यूब बेस, क्वेश्चंस में क्यूब देना, राइट? ऐसे क्वेश्चंस गारंटी से पूछेंगे। ओके, अच्छा लगा, समझ में आया, अगर एक्सप्लेनेशंस आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन पर जरूर प्रेस कीजिएगा। सर हाँ हमको अच्छा लगा, समझ में आया, कुछ भी आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, 3, 3 ये क्वेश्चंस तो मेरे किसी स्टूडेंट्स ने भेजा है, राइट? देखिए क्या है, 3, 3, 13, 37, 105 एंड देन क्वेश्चंस मार्क, ये क्वेश्चंस तो मेरे को किसी स्टूडेंट्स ने भेजा है। देखिए क्या इस क्या है इस क्वेश्चंस का। 13 यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 0 का डिफरेंसेज, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि 10 का डिफरेंसेज, यहाँ पर अपन कह सकते हैं 3 - 24 का डिफरेंसेज है,
राइट right? यहाँ पर अपन कह सकते हैं 15 माइनस 7 यानी कि 8 और 9 माइनस 3 यानी कि 6 का डिफरेंस है। नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा देखिए, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, देखिए स्टूडेंट्स आपने ही क्वेश्चंस भेजा था, ये वो ही मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। बताइएगा आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। ओके जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर देखते हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। जो रेगुलर नहीं देखते हैं, उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा टफ बन सकता है। देखिए 0 से 10, 10 से 24, 24 से 68, माय डियर स्टूडेंट 68 आपका 4 का क्यूब प्लस 4 होता है तब आपके पास 68 आता है। 24 आपकी 3 का क्यूब माइनस अपन 3 करेंगे तो अपने पास आएगा 24, राइट। ये कब आएगा आपके दिमाग में, कब क्लिक करेगा? ये तभी क्लिक करेगा जब आपने लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, अदरवाइज नहीं क्लिक करिएगा। आप करते रहिएगा, टाइम वेस्ट भी होता रहेगा, राइट। 2 का क्यूब प्लस 2 करेंगे तो अपने पास 10 आएगा। 1 का क्यूब माइनस 1 करेंगे तो अपने पास 0 एब्सोल्युटली करेक्ट है। इट मीन्स यहाँ पर 5 का क्यूब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करेंगे 5 तो अपने पास 120 यहाँ पर होगा, राइट। 120 यहाँ पर होगा प्लस का 120 अपन ऐड करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स 5 इसमें ऐड कीजिए, 125 प्लस 100 225 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 225 डी ऑप्शंस। ओके समझ में आया तो प्लीज लाइक बटन पर जरूर प्रेस करें। अच्छा लगा क्वेश्चंस कि हाँ सर अच्छा लगा तो भी बताएं। ओके सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें चैनल्स को ताकि इस टाइप के वीडियो आपको मिलते रहें। नेक्स्ट पे आ जाइए 216, 21, 223, यहाँ से भी लग रहा है कि ये डिफरेंस भी इस पर ही है। देखिए क्या है, 4 और 3 7 का डिफरेंस है। यहाँ पर 25 होता तो 25 प्लस 1 26 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 28 का डिफरेंसेज है, राइट। यहाँ पर 4 माइनस 1 3 एंड 31 6 का डिफरेंस है यानी कि 63। यहाँ पर अपन कह सकते हैं 126 का डिफरेंसेज है क्योंकि 6 अपन इसमें ऐड किया तो 320 प्लस 20 ऐड किया तो 340 प्लस 100 440। नेक्स्ट क्या होना चाहिए देखते हैं। देखिए सीरीज एब्सोल्युटली लग रहा है कि क्या सीरीज चल रही है, राइट। ये 3 का क्यूब प्लस 1 है, ये 4 का क्यूब माइनस 1 है, ये 5 का क्यूब प्लस 1 है तो नेक्स्ट टर्म 6 का क्यूब माइनस 1 होना चाहिए था। ओके 216 माइनस 1 इक्वल टू 215 अपन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा तो माय डियर स्टूडेंट्स अपने पास आंसर आ जाएगा। 215 अपन ऐड करेंगे तो इसमें देखिए 5 4 और 4 और 1 5 6 4 और 2 6 इट मीन 655 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके सी इज द करेक्ट, क्लियर हुआ? अच्छा लगा क्वेश्चन तो प्लीज बताइए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए 625 626। यहाँ से लग रहा है कि सीरीज एक तरह से डिफरेंस बीच पर ही है। 19 का डिफरेंस है यहाँ पर 0, राइट। 52 माइनस 44 6 और 2 8 का डिफरेंस, 80 का डिफरेंस माइनस का 6 माइनस 3 3 44 8 और यानी कि 63 का डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म्स 13 माइनस 5 8 एंड 37 माइनस 33 यानी कि 48 का डिफरेंसेज है तो नेक्स्ट टर्म्स क्या होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल एब्सोल्युटली लग रहा है कि हाँ 99 10 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 9 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 8 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 7 का स्क्वायर माइनस 1 तो नेक्स्ट टर्म्स 6 का स्क्वायर माइनस 1 सो दैट इज द 35 इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 300 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ओके समझ में आया क्वेश्चंस? अच्छा लगा वीडियो, पूरा अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगे, क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको अच्छा लगा, मेरा एफर्ट्स आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया पूरा वीडियो देखने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग्स एंड शेयरिंग्स।
I hope you are enjoying the sessions. If I enjoy the sessions, so please hit the like button, share the video and subscribe my channels. Thank you so much, friends. Jai Hind, Jai Bharat, and again best of luck for your exams. Thank you so much.